नमस्कार दोस्तों, ऐसा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा यूरिका ब्लैक स्मार्टफोन और नोकिया 3 दोनों को मैं कंपेयर करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको इस प्राइस पर कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और कौन सा आपको ज़्यादा बेटर है इस प्राइस पर। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बढ़ता हूँ वीडियो को और मैं वीडियो शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ एक एक स्टेप और बता दूँ आप इसके अंदर आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलती है दोनों स्मार्टफोन में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आप वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, लेफ्ट में अपना हमारा है यूरिका ब्लैक और राइट साइड में अपना आ रहा नोकिया 3। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यूरिका ब्लैक में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है थोड़ा ओल्ड है, यानी कि मार्शमेलो 6.0.1 और आपका जो है नोकिया 3 में आपका जो मिलता है 7.0। तो दोस्तों, इसके अंदर एंड्रॉयड बेटर मिलता है आपको नोकिया 3 में। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं स्क्रीन साइज़ की। स्क्रीन साइज आपको दोनों में इक्वल मिलता है, बरोबर बराबर मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी थोड़ी हाइट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो है यूरिका ब्लैक थोड़ा सा दोस्तों छोटा है थोड़ा सा, और जो है नोकिया 3 थोड़ा सा हाइट में थोड़ा बड़ा है। ठीक है दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेट है। ठीक है, अब देख सकते हैं दोस्तों रेजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको यूरिका ब्लैक में फुल HD की सपोर्ट मिल जाती है, यानी कि 1080p, और आपको नोकिया 3 में 1080 नहीं मिलता है, तो आपको इसके अंदर मिलता है 720 पिक्सल। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको यूरिका ब्लैक में फुल HD का सपोर्ट मिल जाता है और आपको नोकिया 3 में फुल HD नहीं मिलता। और दोस्तों, यहाँ पर पिक्सल्स की बात करें तो उसके अंदर PPI आपका दिया है 441 और आपका नोकिया 3 में दिया है 294। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको बैटर मिलता है यूरिका ब्लैक में। ठीक है दोस्तों, तो ये नोकिया थोड़ा फीची है पिक्सल्स के मामले में। तो देखिए दोस्तों, फिर कैमरे के वाइज भी कैमरे में आपको मिलता है यूरिका ब्लैक में 13 मेगापिक्सल और नोकिया में मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल। तो दोस्तों, कैमरे के मामले में यूरिका ब्लैक आगे है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपको डुअल LED फ्लैश मिल जाती है और आपको इसके अंदर दोस्तों फ्रंट कैमरा जो है बरोबर मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, इसका चिपसेट में आपको इसके अंदर मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 यूरिका ब्लैक में। और दोस्तों, नोकिया 3 में इतना खास आपको नहीं मिलता है MediaTek MT6737। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो जो है स्नैपड्रैगन की काफ़ी अच्छी सर्विस और थोड़ा फास्ट आपका जो है चलेगा यूरिका ब्लैक। तो यहाँ पर पीछे है नोकिया 3 प्रोसेसर के मामले में भी। और दोस्तों, इसका CPU आपको मिलता है 8 कोर्स का, आपको मिलता है 64 बिट्स का, और इसके अंदर आपका है 1.4 GHz का। ठीक है दोस्तों, और अब इसके अंदर CPU मिल जाता है आपको 64 बिट का आपको मिल जाता है, पर इसके अंदर 4 कोर्स हैं, इसके अंदर 8 कोर्स हैं। तो CPU के मामले में भी दोस्तों, ये पीछे है नोकिया 3। ठीक है दोस्तों, इसका GPU आपको मिल जाता है एड्रीनो 505 नोकिया यूरिका ब्लैक में, और आपको इसके अंदर मिल जाता है ARM का आपको मिल जाता है T720MP2। तो दोस्तों, हार्डवेयर वाइज जो है यूरिका ब्लैक आ गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपका रैम मैनेजमेंट देख लेते हैं। रैम इसके अंदर आपको मिलती है 4GB यूरिका ब्लैक में, और आपको रैम इसके अंदर मिलती है नोकिया 3 में 2GB। तो दोस्तों, ये पीछे है रैम के मामले में। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है बैटरी आपको यूरिका ब्लैक में मिलती है 3000 mAh की बैटरी, और आपको नोकिया 3 में मिलती है 2650 mAh की बैटरी। तो दोस्तों, यहाँ पर भी यूरिका ब्लैक आ गए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, फिंगरप्रिंट आपको यूरिका ब्लैक में मिलता है, नोकिया 3 में फिंगरप्रिंट है ही नहीं। और आपको OTG केबल पर सपोर्ट मिल जाता है, और इसके अंदर जो है आपको सिम टाइप, इसके अंदर मिनी सिम और इसके अंदर नैनो सिम। ठीक है दोस्तों, और आपको दोनों सिम का सपोर्ट इसके अंदर मिल जाता है। पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है, यूरिका ब्लैक में हाइब्रिड सिम है, अगर आप 2 सिम डालेंगे तो आपका मेमोरी कार्ड नहीं चलेगा। और इसके अंदर दोस्तों डेडिकेटेड स्लॉट दिया है नोकिया 3 में, तो आप इसके अंदर 2 सिम और 1 कार्ड भी चला सकते हैं। दोस्तों, स्टोरेज इसके अंदर आपको दिया है 32GB यूरिका ब्लैक में, और 16GB आपका दिया है नोकिया 3 में। तो दोस्तों, नोकिया 3 पीछे है स्टोरेज के मामले में भी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँ कि आपको इस प्राइस पर कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो दोस्तों, नोकिया 3 का प्राइस है 9,500 रुपये, यानी कि 9,500 रुपये इसका प्राइस है। और दोस्तों, यूरिका ब्लैक का प्राइस है ओनली 9,000। जी हाँ दोस्तों, बल्कि नोकिया 3 से दोस्तों 500 रुपये सस्ता है। अगर आप दोस्तों मेरी माने तो मेरे हिसाब से तो यूरिका ब्लैक बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों हार्डवेयर वाइज भी 4GB रैम, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर एंड फिंगरप्रिंट सेंसर दोस्तों, सिर्फ दोस्तों और कैमरा भी सबसे बड़ी बात, सिर्फ ये ओल्ड वर्जन पे चलता है दोस्तों मार्शमेलो पर। दोस्तों, इस प्राइस पे
आपको यूरिक ब्लैक से अच्छा कोई स्मार्टफोन नहीं मिल सकता 9,000 रुपये में। तो मैं आपको करूँगा सजेस्ट करूँगा कि आपको यूरिक ब्लैक लेना चाहिए, वो भी 9,000 रुपये में। तो दोस्तों इसके काफ़ी अच्छी आपको 4GB की रैम मिल जाती है, 32GB की आपको इसके अंदर स्टोरेज मिल जाती है, फिंगरप्रिंट आपको स्कैनर मिल जाता है और उसके अंदर बैटरी भी बड़ी मिल जाती है। तो आप यूरिक ब्लैक मेरे हिसाब से ख़रीदें। अगर आपको 500 रुपये थोड़ा ज़्यादा देना है तो आप नोके 3 भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया दोनों का कंपेयर करके। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही कंपैरिजन वीडियो के लिए एंड टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस के लिए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। थैंक यू।